पूरे देश का लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। दरअसल चर्चा में आने की वजह यह है कि वे अब बीजेपी के लिए किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का भी बहुमत नहीं आया। मोदी सरकार अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे चलेगी। ऐसे में अब ये दोनों नेता पीएम मोदी से भी अधिक पावरफुल नजर आएंगे। नीतीश कुमार की 3 पुरानी मांग भी पीएम मोदी को माननी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली का सिंहासन कभी भी हिल सकता है। नीतीश कुमार की पहली मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना और स्पेशल पैकेज दिलवाना, ताकि बिहार के विकास को और गति मिल सके। वहीं दूसरी मांग की बात करें तो वह है पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने की। वहीं तीसरी मांग की बात करें तो वह है बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 12 लोकसभा सीट कर जीत कर एनडीए को जहां मजबूती दी है, वहीं सारा दारोमदार भी उन्हीं पर है। नीतीश कुमार अब बिहार के विकास के लिए हर मांग पूरी करवाने की ताकत रखते हैं। आज तेजस्वी के साथ एके फ्लाइट में दिल्ली आने से देश का सियासी पारा भी हाई हो गया है और पलटने की चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ आज एनडीए की मीटिंग में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। एकनाथ शिंदे भी भाजपा के लिए अब अहम है। अब इस एनडीए को हुए नुकसान की बात करें तो उसे नीतीश के जाने से झटका जरूर लगेगा, लेकिन कई अन्य सहयोगियों के भरोसे वह सत्ता में आ सकते हैं। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें, दोनों को मिला ले तो आंकड़ा 256 हो जाता है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास भी 7 सांसद हैं, इस तरह नंबर 263 हो गया। फिर खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद हैं, इन्हें मिलाकर आंकड़ा 267 हो जाता है। आंध्र की जनसेना के पास 2 और जयंत चौधरी की आरएलडी के पास भी 2 सीटें हैं। महाराष्ट्र से पंजाब तक अब एनडीए को एक एक सीट का जुगाड़ करना होगा। अपना दल और अजीत पवार भी एक एक सीट लाए हैं। इन सीटों को मिलाकर 274 का नंबर हो जाता है। ये सरकार बनाने के जादुई नंबर से 2 ज्यादा है। इन पार्टियों के अलावा पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल भी एक सीट जीती है। बीजेपी यदि प्रयास करे तो उसका साथ मिल सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम और असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद भी एक सीट जीती है। इन सभी का साथ मिलता है तो फिर एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। 62 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि भारत को एक ऐसा लोकप्रिय नेता मिला है जो लगातार तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार में भी स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है, सरकार बनने जा रही है, ये बहुत खुशी की बात है। विकास के पथ पर जिस तरह देश आगे बढ़ रहा था उसमें कोई बाधा नहीं आई है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत के बाद देश की जनता ने बहुत खुशी की लहर है। विपक्ष को भी कुछ सीटें मिली हैं और वो अभी तक तो 2 टर्म में विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पा रहे थे, अब वो विपक्ष के नेता का रोल निभाएं, शांति से वहां बैठकर विकास के पथ पर जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें सहयोग करें, यही उम्मीद हम करते हैं।